वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों आज 5 सितंबर है यानी टीचर्स डे। आज नूर मेहर चैरिटेबल ट्रस्ट नूर मेहर हाई स्कूल पर बहुत ही जोरदार टीचर डे मनाया जा रहा है। आपको एक दुआ सुनाना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा एक सीख देता है कि कितना बड़ा उस्ताद का मर्तबा होता है। गुरु एक जगह खड़ा और एक जगह टीचर खड़ा है, तो अब स्टूडेंट कश्मकश में है कि किसको मैं रिस्पेक्ट दूँ। तो गोविंद जो भगवान होते हैं वही कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। इतना बड़ा टीचर्स का रिस्पेक्ट होता है। आज टीचर्स डे है नूर मेहर हाई स्कूल में। आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड है ये, तो यहाँ पर पूरी जो स्टडी है डिजिटलाइज हो गई है। बच्चों लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना। उस्ताद बादशाह नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन नहीं होता है, लेकिन वो अपने तालबा को बादशाह बना सकता है। ये उस्ताद का मर्तबा है। उस्ताद अगर इल्म है गरीब है लेकिन अपने बच्चों को जो वो पढ़ाता है तो अपने बच्चों को उस्ताद बना सकता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, माँ बाप जो होते हैं बच्चों को आसमान से ज़मीन पर लेके आते हैं आना, लेकिन जो उस्ताद होता है वो बच्चों को इस तरह ट्रेन करता है पढ़ाता है। उस्ताद जो होता है बच्चों को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाता है इल्म की बुनियाद पर। जो इल्म वो देता है तो बच्चा ज़मीन से आसमान तक पहुंच सकता है, बहुत बड़े मर्तबे पहुंच सकता है, क्योंकि जो इल्म है नॉलेज है वो सबसे बड़ी ताकत है सब। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कि बच्चों के साथ साथ कोई परेशानी है तो उसे भी डील करते हैं, तो अलॉन्ग विद स्टडीज़ दुनिया की दीन की उनकी मेंटल हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। इससे पहले आप कहाँ पर थे जो वहाँ पर जो टीच की? जी मैंने काफ़ी स्कूल्स में किया है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया है, पर्सनल केसेस के लिए, तो सब एक साथ चल रहा है। फिर यहाँ पर हमारे चाचा हैं वहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, तो यहाँ पर भी आपके काम से कैसा लगा? यहाँ पर एक मासूम छोटे छोटे बच्चे और हमेशा ये कहा जाता है कि टोपी लगाए हुए बच्चे कुर्ता पजामा पहना हुए बच्चे, आपको कैसा लगा यहाँ पर बच्चों से? बहुत अच्छा, हम तो हमेशा से देखते जा रहे हैं। मार्शल आपको देखिए बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, टीचर्स यहाँ पर फैकल्टी इतनी अच्छी है, प्रिंसिपल साहब जी हमारी जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं। मार्शल आपको देखिए इतना अच्छा काम है यहाँ बच्चों का, ग्रोइंग अप गुड किड्स माशाल्लाह, दीन दुनिया दोनों की तालीम मिल रही है यहाँ पर। अभी रिसेंट में कुछ एक दो हफ्ते पहले ये अपना 15 अगस्त को भी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, और इससे पहले यहाँ पर जो बोर्ड का प्रोग्राम हुआ था, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये शायद कहीं पर भी नहीं हुआ है मदरसा जहाँ पर भी मैंने अभी तक मदरसों को देखी, तो क्या कहना चाहती है उसके लिए? तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनपुट है बच्चों के लिए, हर बार एक चीज़ अपग्रेड की जा रही है। आप अगर ग्राफ भी देखते जाएंगे तो इट्स गोइंग अप एंड डाउन माशाल्लाह, हर चीज़ जो बच्चों के फ़ायदे के लिए हो सकती है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की जा रही है। यहाँ तक लोकल स्कूल्स में भी आपको बोर्ड एंड पैड्स ये सब नहीं देखेंगे, बट यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ जो बच्चों की ज़रूरत की है ताकि बच्चों की तालीम बेहतर की जा रही है। बहुत खुशी हो रही है देखकर बच्चों को, और यहाँ की पढ़ाई तालीम सब माशाल्लाह भी बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, खुशी भी देख रहे हैं। हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है और वो औरत हैं आप, और हुसैन सर जो आज हैं, आज मुझे भी खुशी होती है इस मकाम पे देखकर, क्या कहना चाहती हैं? ये हमारे साहब हैं, पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, ये तो पहले हमारे साहब हैं, ये अली भाई हैं सबके लिए। तो माशाल्लाह जो इनकी मेहनत है अल्लाह ताला उसको कबूल करे बहुत एंड इट इज़ अनदर फ्रदर इन अ कैप जो माशाल्लाह हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए जो हमने एक नई शुरुआत की है बच्चों के लिए, इस पर टीचर्स भी आ सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हैं वो इंशाल्लाह ताला अब जो
काउंसलर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इंशाल्लाह उनसे रब्ता करें। दे कैन गो ऑनलाइन टू, और अगर उनको चाहिए शी विल पर्सनली हेल्प, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछली बार आपने बच्चों के लिए कपड़ों सुखाने की एक वॉशिंग मशीन और टैप का इंतजाम किया था, उसके लिए क्या कहना चाहती है? बस वो बच्चों को देखते हैं खुश होते हुए तो हमको और खुशी होती है, और अल्लाह हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला और इससे अच्छे काम। मैं तो बहुत बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी मदरसे को स्कूल को तरक्की दे, और बच्चे हमारे इंशाल्लाह SSC के बाद इल्मियत करें, मुफ्ती बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंशाल्लाह जो इनका ख्वाब है वो अल्लाह ताला ख्वाब को पूरा करें। काफ़ी बच्चे हुसैन सर यहाँ से अली भाई अच्छे अच्छे मकाम पे गए, कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना, और कुछ ऐसे थे बिजनेसमैन भी बने, तो क्या कैसा लगता है आपको जब 2011 से आपने ये ख्वाब देखा, आप कैसा लगता है? ये ख्वाब जो है 2001 से शुरू हुआ है, जी हाँ ऑफिशियली, वरना हमने 1997 से शुरू किया था, जो 25 साल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, और इस 25 साल में जो है 167 बच्चे 167 बच्चे जो है हाफिज़ कुरान हुए हैं, और 11 बैच अभी तक जो है SSC के निकले हैं, जिसमें 101 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह SSC पास किए हैं, और जो डॉक्टर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े हैं वो टेक्नीशियन बने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हमारे इस वक्त जो है ना सऊदी अरब में एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, बॉम्बे में हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट बने हुए हैं, तो कई हर शुबे में अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे काम कर रहे हैं, और 101 बच्चे जितने भी पढ़े हैं वो तमाम जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में पैसा लेके आ रहे हैं, कमाई हो रही है, जिस घर में तालीम नहीं थी उस घर में तालीम पहुँची है, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी कौम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बच्चों से जो इदारा शुरू किया था आज 167 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रह रहे हैं, खाते पीते हैं, हर किस्म की सहूलत कोशिश करते हैं कि पहुँचाएँ, और अल्लाह पहुँचाता है। मैंने देखा आपके बच्चों ने एक दूरबीन बनाए हैं जो मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे कोई देख सकता है, लेकिन मैंने उस दूरबीन को देखा जी तो उससे दूर तक का दिख रहा था जी, जी छुपे हुए भी देख सकते हैं, आप दुश्मन को मार सकते हैं जी, जी, जो समुंदर में रहते हैं, और ये भी उसके लिए पास होती है तो वो चीज़, और एक मैंने नीचे तो गया था वहाँ पर एक लाइट से मतलब पानी से लाइट बना वो चीज़ भी बनाई जी, जी हाँ ये जो है बच्चे ये टीचरों का जो है कमाल है, ये हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं चाहे वो स्कूल के हों या मदरसे के हों, दे आर वेरी क्वालिफाइड टीचर्स, और इनका वेरी हार्ड वर्क है, दे आर कमिंग हियर फॉर नॉट फॉर मनी, वो उनको कौम का जज्बा है, और वाकई में वो दिलो जान से जो है ये बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, और जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना आज जिस चीज़ में आज अपने हिंदुस्तान में बात हो रही है वो बच्चे वो करके यहाँ भी बता रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को इनका ये चैलेंज है कि रॉकेट जो है उड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये टीचरों के लिए बहुत बड़ी क्रेडिट है कि ये मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि IAS IPS ऑफिसर बने, तो ये हर शुबे में पहुँच जाए इंशाल्लाह पहुँचेंगे, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें हमारे टीचर डे के मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे इकट्ठा हुए और लोग बाहर से आए, काफी अच्छी अच्छी बातें हुई, एजुकेशन के तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका नाम बताएं। जी सबसे पहले मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ और कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम है उसकी हौसला अफजाई की आपने साथ में, और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम शाजिया साजिद खान है, मैं इस मदरसे नूर बहर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हूँ, और साथ में मैं अली भाई और आंटी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया जहाँ पर मैं जहाँ पे मैं अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकती हूँ, और ये मदरसा सिर्फ मतलब इस तरह से मैं इसे नहीं देखती कि मुझे आकर यहाँ पे काम करना है, बल्कि ये मेरा जोश है, मेरा जज्बा है कि मैं यहाँ के बच्चों को बहुत आगे देखना पसंद करूंगी कि वो इंशाल्लाह हर फील्ड में आगे जाएं, और ये बच्चों के अंदर वो जोश भी है, अगर आपने हर प्रोग्राम हाईलाइट किया होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बिना कोई मतलब एक पीछे कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं होता है
कोई एक स्पेशल डायरेक्टर या बच्चों के अच्छे अच्छे प्रोग्राम के पीछे स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हर चीज सिखाते हैं। यहाँ टीचर्स में वो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काफी ऐसे एक्स पर बच्चों की मेहनत करवाते हैं जिसके जरिए जो बच्चों के अंदर छुपी सलाहियत है वो सामने आती है। तो मैं अपने टीचर्स का खासतौर पर काफी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतना एफर्ट शो करते हैं। आज के दिन बच्चों ने काफी चीजें बनाई हैं, उनके बारे में बताइए, पांच चीजें बनाई हैं। जी हमारे ये सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने कम वक्त में हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और साथ में उनकी रहनुमाई की, क्योंकि हमारे बच्चे भी चाहते थे कि उन्हें कोई एक्टिविटी दी जाए। और अभी जो हमारे इंडिया के लिए सबसे ग्रेट अचीवमेंट है हमारा चंद्रयान, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने उसके एतबार से चीजें बनाई कि जो हमारा करंट इशू चल रही है, हमारा एक प्राउड मोमेंट है हमारा चंद्रयान, उस पर उन्होंने रॉकेट बनाए, साथ में रोवर्स बनाए और पंचक्की बनाई कि पानी से बिजली किस तरह से हासिल की जाती है। वो प्रोजेक्ट भी उन्होंने काफी यानी कम वक्त में उन्होंने अपने जोश जज्बे और हमारे टीचर्स की लगन के एतबार से बनाया। इसमें मैं खास तौर पे मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ रफी सर को, फरजाना मिस को, उज्मा मिस, शाइस्ता मिस, यानी हर टीचर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने बच्चों की रहनुमाई और सरपरस्ती की बदौलत बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मैं बच्चों को भी खास तौर पे मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। जी बेशक बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारे आइडियल, हमारे गाइडेंस करने वाले, हमें राह दिखाने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कोटेशन था कि अगर आपको इल्म के लिए चीन भी जाना पड़ेगा तो आप बिला झिझक जाइए। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बातें अपने नुक्ते नजर के एतबार से हमारी कामयाबी का जामिन है। अगर हम उनकी हर बात को दिल से और अमल के तौर पर जाहिर करेंगे तो इंशाल्लाह हर बच्चा हमारा कामयाब होगा, क्योंकि उनका अखलाक, उनकी बातें और जो जो चीजें कि झूठ ना बोलना, वादा खिलाफी ना करना, ये तमाम ऐसे औसाफ है कि यकीनन आपको कामयाब बनाएगा। तो इंशाल्लाह वही हमारे अहम रहबर है, अगर हमने उनको फॉलो किया तो हम आखिरत के साथ अपनी दुनिया को भी जरूर कामयाब करेंगे। खुद आप इल्म बांटते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्या बादा, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कल अली भाई ने मिसेज के ज़रिए से दावत दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। मेरी खुश नसीबी और खुदबख्ती है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं सुबह 11 बजे पहुँचा, प्रोग्राम जारी थे। बस मैं आने के बाद जो प्रोग्राम के हिसाब से कुछ चीज़ें को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के तहजीब, तमद्दुम, यहाँ बच्चों के एक सलीक़े, तरबियत, असाज़े कराम के अंदर वो लगन और मगन देखा, टीचर्स के अंदर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से कहते आया हूँ कि जिस मदरसे के, जिस कौम के कायद और लीडर अच्छे होंगे तो उनके पीछे चलने वाले भी अच्छे ही होंगे। माशाअल्लाह मैं इस मदरसे का साबिक तालिब इल्म हूँ, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह यहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ से छोड़ कर के फजीलत के लिए कहीं दूसरी जगह चला गया। मैं अपने ज़माने में मतलब ये मदरसे काफ़ी छोटे थे, उस वक्त में काफ़ी परेशानियाँ उठाई, उस वक्त में मतलब बच्चे ज़्यादा होते थे, जगह छोटी हुआ करती थी, तकलीफ़ें थी, न नहाने के, न धोने के, न सोने के जगह थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने अली भाई के हौसला अफजाई के लिए और उन्होंने जो खून पसीने बहाए हैं उनका आज वसीला मिला है कि आज अच्छी इमारतें हो गई हैं, अच्छे टीचर्स हैं इनके पास, अच्छे इनके पास असाज़ा कराम हैं, तमाम सहूलतें हैं और आराइशें हैं। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम पे पूरे फोकस करते हैं, अच्छे तरीके से, ढंग से इल्म को हासिल कर रहे हैं। और ख़ास बात मैंने जो इस मदरसे के ये देखा कि यहाँ दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया के भी इल्म दिए जा रहे हैं जो काफ़ी अहमियत के हाइल हैं। हमारे नज़र में शायद के उरूसुल बिलाद शहर मुंबई के अंदर ये पहला ऐसा मदरसे होंगे। और मैं आगे बढ़कर कहूँ कि मुंबई के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो ये मुबालगा ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल देख रहा हूँ और बच्चे यहाँ से 10वीं तक मुकम्मल करते हैं, आगे MBB कर देते हैं और यहाँ से डॉक्टर की पढ़ाई की भी करते हैं, GN की भी पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी लोग फील्ड में काम कर भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहीं से पढ़ा, हाफिज़ कुरान बना, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद हाफिज़ भी हूँ, आलिम भी हूँ और इफ्ता की भी पढ़ाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मदरसे से जुड़ा हुआ, जामिया अशरफुल उलूम में ख़ुद एक इदारा चलाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसी का वो सदका है कि आज हम इस मकाम पर खड़े हैं।
पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, खेत में जा रहा पानी।